अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आओ महक, इस घर में बहू के रूप में तुम्हारा स्वागत है। आओ। ये कदम हमेशा एक साथ चलेंगे। भाभी, हमने छोटी बहू के लिए जो सरप्राइज प्लान किया है उसे ले आइए। जी जी, अब छोटी बहू के सामने भी छोटी सास से ही काम करवाएंगी क्या? थोड़ी तो इज्जत रख लो मेरी। बहुरानी, देवर की बारात लेकर आई हो, देवरानी का स्वागत नहीं करोगी? जाओ। जी चाच। तुम अंदर आओ। महक बेटा, ये चिकनी मिट्टी है, अब तुम दोनों भी अपने हाथ के छाप इस पर छोड़ दो और फिर हम इसे प्रेम करवाएंगे। दादा, जोर से छाप लगाओ, देखते हैं किसकी छाप ज्यादा गहरी आती है। एकांश, क्या कर रहा है? चीटिंग मत कर। तुमने ये छिपकली जैसा मुंह क्यों बना के रखा? ये छोटी सी फ्रेम लाकर हाथ पैर टूट गए तुम्हारे? चाची, ऑलरेडी मेरे दिमाग की बैंड बची हुई है, आप और ढोल मत बजाओ। तुम ना शूं पंखा की चाची हो, हर दम तुम्हारी नाक ना चढ़ी रहती। उस नाक पर बैठ के मेरे सर के बाल क्यों नोच रही हो? उधर चुप हो जाओ। तुम भी चुप ही कराओ मुझे बस। जैसे मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ, कोई टूटा हुआ फर्नीचर हूँ जिसे आते जाते कोई भी लात मार कर चला जाता है। रिलैक्स चाची, इसकी हालत ना आपसे भी बुरी होने वाली। आपको तो कम से कम फर्नीचर का स्टेटस तो मिला, इसकी हालत तो पायदान से भी बुरी होगी। एकदम मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। ये लड़की आज जितना हंस रही है ना, उससे डबल रोना पड़ेगा इसे। बड़े सुहागरात के लड्डू फूट रहे ना इसके मन में। ऐसी सहज सजाऊंगी ना कि उल्टे पैर भागेगी। जब हाथ थामा तो लकीरें भी एक होंगी। माँ, इसे फ्रेम कराकर हमारे रूम में लगवा दीजिएगा। मैं हमारे रूम में लगवा दीजिए। चाची, बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि कल ही की बात है। तूने मेरा हाथ पकड़कर चलना सीखा था और आज हाथ छोड़ने का वक्त आ गया। माँ प्लीज, मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ना। आप मेरी माँ है और आप हमेशा मेरी माँ रहेंगी। जानती हूँ मैं, जानती हूँ, पर एक बात ध्यान रखना, ससुराल से तेरी विदाई हुई है पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपने घर का आंगन भूल जाए। उसे कभी मत भूलना बेटा। कैसी बातें कर रही है अम्मा, ऐसा कभी नहीं होगा।
चुप हो जा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अपने ससुराल वालों का ख्याल रखना। एकांश के साथ किए हुए अपने वचनों पर खरी उतरना बेटा। मेरा मान रखना। और एक बात, मुझे रोज रोज फोन करके मेरा हाल चाल जरूर लेती रहना। अम्मा जिद पर अड़ी हुई हैं, मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं। उन्हें आज ही वापस जाना है। लगता है आप मुझे अपना बेटा नहीं मानती। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, आप तो मेरे दामाद कम बेटे ज्यादा हैं। पर अगर आप मुझे अपना बेटा मानती तो फिर जिद नहीं करती। अब वो भी क्या कहूँ। वो आपको दुकान की चिंता है, पर मैं हूं ना। आपको दुकान की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा। धन्य होगे मैं आप जैसा दामाद पाकर। पर हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। मैं आपसे अपने लिए खर्चा कैसे ले सकती हूँ। वो दुकान मेरी पूंजी है, काफी है मेरे लिए। मैं अपना ख्याल रख लूंगी। बस आप मेरे का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अब आपने इतनी बड़ी बात कह दी, उसका भी कुछ नहीं कह सकता। पर आपने मेरी एक बात नहीं मानी, लेकिन दूसरी बात आपको माननी पड़ेगी जी। आप ट्रेन से वापस नहीं जाएंगे। मेरा ड्राइवर आपको आपके घर तक छोड़कर आएगा। ठीक। रोटा मत कर। ध्यान रखना अपना। माता रानी आप दोनों को सलामत रखें। आप दोनों को कभी किसी की नजर न लगे। चलती हूँ। महक प्लीज तुम आराम कर लो, थक गई होगी। मैं उन्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ।